ये सामने लिफ्ट है, जिन्होंने लिफ्ट में बैठ कर अगर ऊपर जाना हो, ऐसा ही ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जाएगी। अगर आपने इतना ऊपर जाना है ताकि वहाँ से आप आराम से नीचे आ सके, ना कि आपको फिर दोबारा बहुत ऊपर जाना पड़े खुद वॉकिंग करके। बर्फ़ में जो चलना भी होता है वो भी एक्सट्रीम है। मैंने जो अब एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको फिसलन भी हो सकती है और चलने में आपको काफ़ी एनर्जी खर्च होती है, जो अभी आजकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फुकान से होती ऊंचाई पहुँच चुके हैं, ये छोटा मेरा ही जा रहा है वो फुकान खड़े हैं, और मैं तकरीबन कितने दिन पहुँचूँगी वहाँ पर मुझे तो काफ़ी देर में पहुँचूंगी, क्योंकि चढ़ाई भी है।
ये बेसिकली इतना आसान नहीं है। अब जब फिर उठा के इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, इस पर बहुत एनर्जी खर्च होती है जी। गीले हो गए तो उतारे। अब फिर कहाँ खेच के लेके आ रहे हैं ऊपर, वो आ रहे हैं अपना ना खेच के लेके आ रहे हैं अपा पा अपना। फकान अच्छी है आपकी, वर्जिश हो रही है। हाँ इसमें ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। फकान है कि गीले हो गए देखो। हाँ अभी चल रहा है इसमें स्लाइड पे ब्रेक जो है मैं मोड़ नहीं सकता हूँ, टांग से मोड़ना है। यह हील के लिए था क्योंकि साथ उसको मैं चलाऊँ। तो ये जो है ये असल में ये जो जिन्होंने स्की सीखनी होती है ये उसके लिए, और कई लोग जो हैं यहाँ पे जो हैं जब आते हैं तो वो ब्रेक मारना सीख रहे होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब वो जो कोई नहीं आ रहा हो तब आप उनको स्केटिंग करा सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है हम ये कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है ये इसके बंद होने का टाइम है, लेकिन पहाड़ तो खुला है और तब कर सकते हैं जब कोई ये कम लोग हों। फकान कहते हैं कि मैं दो दफा ऊपर नीचे आया हूँ, मुझे गर्मी लगने शुरू हो गई है। अभी फकान फिर से ऊपर से नीचे जा रहे हैं। घोड़े तैयार हैं। फकान नीचे गए हैं और आर्यन जाए भी ऊपर आ रहा है। ये भी इसकी तैयारी ऊपर जाने की, वो कितना नीचे वो काफी नीचे गए। बहुत ज्यादा नीचे गए हैं। आपसे भी जरा ऊपर जाऊंगा। जब प्रैक्टिस में था बाबा गिरते हैं, सभी आरिंग गिर रहे हैं। इसमें मैं भी आई थी तो मैं भी बाबा पर आई थी और बाबा गिर रहे थे। दूसरा है कि ये बर्फ है काफी पेगा भी, नीचे काफी पानी है। मामा अपने पौधे को ना ये ब्रेक ना जी, लेकिन स्टीयरिंग करें ब्रेक की जरूरत नहीं है, वहाँ सीधा जाएंगी तो खुद ही वो हो जाएगा, रुक जाएगी।